वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज बहुत दिनों के बाद आप मैं ब्लॉग के साथ आई हूँ, तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हेयरफॉल की समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। अलग अलग कारणों के साथ हेयर फॉल हो रहा है, मुझे कभी भी हेयर फॉल नहीं रहा है। मेरे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है कि चाहे मैं जितना शॉर्ट लेंथ करा लूँ बहुत जल्दी वो बढ़ जाते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। और जब हम फर्स्ट टाइम उड़ीसा गए तब मुझे फर्स्ट टाइम हेयर फॉल हुआ, क्योंकि हम कोस्टल एरिया में रहते थे तो तभी भी समझ नहीं आया। बोलते थे, जैसे बड़े लोग बोलते थे, पानी के बदलाव से होता है ये सब कुछ, तो उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर हम लोग नेपाल आए, नेपाल आकर मुझे कंटिन्यूअसली हेयर फॉल होता रहा, तो मुझे लगा कि सीजनल हेयर फॉल होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर मुझे हेयर फॉल होते 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 वो इतना सीवियर हो गया कि 50-60% बाल मैंने मेरे झड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, सच में मेरे इतने बाल झड़ गए। तब मुझे टेंशन हुआ। सबसे पहले जब शुरू में हेयर फॉल होता था तो क्या करते थे, एक मार्केट का रेडीमेड ऑयल लिया, इंदुलेखा मैंने सबसे पहले ट्राई किया था और वाकई उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। मेरा हेयर फॉल 3 मंथ्स में बिल्कुल रुक गया और बाल भी का पहले से अच्छे हो गए थे, घने नहीं हुए, दोबारा से उगे नहीं, तो मतलब बालों की जो मोटाई थी, जो थिकनेस थी वो तो कम हुई ही थी। तो फिर मेरा हेयर फॉल रुक गया तो मैं क्या करती थी, हेयर ऑयल ले लिया और एक हेयर फॉल के लिए अच्छा सा मैंने शैम्पू ले लिया कि जिससे हेयर फॉल रुके। शुरू में वो चीज़ें काम करती हैं एक दो बार जब आप यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म की है तो वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। लास्ट ईयर मुझे इतना ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हुआ, एक बार फीवर आया, दोबारा फीवर आया, तो उसके बाद मुझे लगा शायद फीवर की वजह से झड़ रहे हैं, लेकिन मेरा हेयर फॉल कंटिन्यूअस रहा। इवन मेरी फैमिली में भी दूसरे लोगों को भी हेयर फॉल रहा, तो मैं ऑयल लगाती थी, शैम्पू लगाती थी, लेकिन वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने कुछ सर्च किया और घर में ही एक इतना बेहतरीन हेयर ऑयल बनाया और एक पैक बनाया जिससे ना सिर्फ मेरे बाल झड़ना बंद हुए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के बाल झड़ना बंद हुए, बल्कि नई ग्रोथ भी मैंने अपने बालों में देखी और पहले से मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो आज वही बिल्कुल रामबाण एक इलाज है वो तेल, चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन आप जब घर में बनाकर लगाएंगे उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होते, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म आप अपने बालों को दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा और लाइफ लॉन्ग होगा। तो इसलिए मैंने बाजार का कोई भी ना ही तो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ हेयर फॉल के लिए, मैं बिल्कुल माइल्ड केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ, अपना बनाया हुआ हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ और वही पैक जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब बिना देरी किए जिन प्रोडक्ट्स की इतनी तारीफ की है उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ और कैसे ये प्रोडक्ट आप अपने घर में खुद अपने आँखों के सामने अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑयल बनाने के लिए लिया है मैंने सबसे पहले कलौंजी, इसे कहीं पर मंगरेल भी बोलते हैं, अनियन सीड्स भी बोलते हैं। फिर मैंने ली है मेथी, ये सब दोनों इंग्रेडिएंट जो हैं 4-4 स्पून मैंने लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं करी लीफ, करी लीफ भी आप अगर 20-30 अगर आप इसकी लीफ डालते हैं तो बहुत सही रहता है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। और फिर मैंने इसके बाद लिया है इसके लिए कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल की जगह सेसमे सीड, तिल का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। बादाम रोगन लिया है मैंने। और उसके बाद मैंने जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका वो मैंने लिया है अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। इन सभी के बेनिफिट्स हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम तेल बनाना शुरू करेंगे। ये 150 ml कोकोनट ऑयल है, ये प्लेन कोकोनट ऑयल है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। आप इसकी जगह सरसों का तेल या तिल का तेल भी ले सकते हैं। फिर मैंने, और इस वक्त जो पूरा ये जो तेल बनेगा ये इसका पूरा प्रोसेस करेंगे हम बिल्कुल सिम फ्लेम पर, हमें ना मिड करनी है ना ही हाई, बिल्कुल सिम फ्लेम पर हम ये तेल बनाएंगे, क्योंकि तभी ये तेल सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इनके जो न्यूट्रिशंस हैं इससे इन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो तेल डालने के बाद मैंने करी लीव्स को अच्छे से पानी से धो कर कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। फिर मैंने डाली है करी लीव और उसके बाद मैंने ये अपना कलौंजी और मेथी दाना भी इसमें डाल दिया है। ये सारे अगर हम गरम तेल में डालेंगे तो एकदम से जल जाएंगे और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तेल में नहीं आ पाएंगे, इसलिए जैसे ही तेल डाला है बिल्कुल सिम फ्लेम पर
तभी मैंने करी लीव्स और अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी तेल के साथ अच्छे से मिला दिए। एक बार ऐसे स्टर करेंगे, फिर इसमें कड़छी लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम इसे सिम फ्लेम पर ही पकने देंगे। 15 से 20 मिनट में ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इनकी स्मेल आने लगती है तेल से, तो समझ जाइए कि आपका तेल बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखना पड़ता है। बिल्कुल सिम फ्लेम पर ये देखिए, अब इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे हैं, दैट मीन्स ऑयल गर्म हो गया है, ये सारी चीज़ें एक साथ पकने लगी हैं। कलौंजी में विटामिन B1, B2, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस सभी कुछ होता है, जो कि बालों की नेचुरल ग्रोथ के लिए, उनका रंग काला बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। और फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, ये नए बालों को उगने में मदद करता है, हेयर फॉल को बिल्कुल मैजिकल तरीके से रोकता है, लेंथ बढ़ाता है, बालों की थिकनेस बढ़ाता है। ये देखिए सारे इन्ग्रीडियंट्स ने अपना कलर चेंज कर लिया, दैट मीन्स हमारा ऑयल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे छानकर एक कांच के जार में, एयर टाइट जार में स्टोर करेंगे। हमें इस ऑयल को कांच के जार में ही भरना है, किसी भी प्लास्टिक बोतल में आप मत डालिए। अब इस ऑयल में हम मिलाएंगे 30 ml या 40 ml भी आप डाल सकते हैं, वो फ़ायदा ही करेगा, ऑलमंड ऑयल। और उसके बाद मैंने डाला है इसमें 30 ml या 2 बड़े स्पून भर के कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत थिक ऑयल होता है। और इस तरह से ये हमारा ऑयल बनकर तैयार है। इसे वीक में आप 2 से 3 बार लगाइए। लगाने से पहले एक बार इसे गुनगुना कर लीजिए, बहुत गर्म नहीं करना है, और हमारा परफेक्ट मैजिकल हेयर ऑयल बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए करी लीफ, और ये ड्राई करी लीफ बिल्कुल मत डालिएगा, फ्रेश ताजे करी लीफ जो होते हैं वही इसके लिए चाहिए। मैंने करी पत्ता घर में ही लगाया हुआ है, मैं 5 से 6 लीफ, मेरे बालों की लेंथ के लिए काफ़ी होगा, तो मैंने इन लीव्स को पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैंने ये मेथी दाना, 2 स्पून मेथी दाना रात में भिगो दिया था। ये देखिए फूल कर इतना अच्छे से ये गेहूं के दाने की तरह हो जाता है। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हैं तो आप इसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए, ये अच्छे से फूल जाते हैं पानी में। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, और इसके बचे मेथी दाने के बचे हुए पानी को हमें फेंकना नहीं है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हम इसे एज ए सिरम भी बॉटल में भरकर रख सकते हैं, जिन्हें कि आप अपनी रूट्स में अगर स्प्रे करते हैं डेली, तो वो भी आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। तो ये मेथी का पानी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने कड़ी पत्ते और मेथी को पीस लिया है, सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट, ना ही अनियन ना ही एलोवेरा जेल, कुछ नहीं चाहिए, बस कड़ी पत्ता और मेथी दाने से ये हमारा हेयर मास्क बनकर तैयार है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो इसमें मेथी का पानी मिला लीजिए। ये मास्क हमें सिर्फ वीक में 1 बार लगाना है 20 मिनट्स के लिए, उससे ज़्यादा हमें इसे अप्लाई नहीं करना है। इसे बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में पीसना है ताकि ये बालों में ना चिपके। और अगर वैसे ये बहुत ही ग्रीजी सा होता है, थोड़ा सा लेही जैसा लगता है, तो चिपकता भी है तो डोंट वरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपके बाल सूख जाते हैं, आप कंघी करोगे तो सब कुछ निकल जाता है। तो इस तरह देखिए हम पूरे रूट्स से लेकर हम टॉप टिप तक पूरे बालों में लगा लेंगे, बालों को कवर कर लेंगे प्लास्टिक से या शावर कैप से। और जब हमने बाल धो लिए हैं तो इस तरह के वाइड ब्रश वाले कॉम्ब से हमें बालों को कॉम्ब करना है। आपने देख लिया कि हेयर ऑयल कैसे बनाना है और पैक कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से लगाना है, आपको क्या करना है। हम लोग करते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है तो कंघी करना बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट ईयर से कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट हुआ है, तभी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स को भी मैंने ये बताया, उन्होंने भी यूज़ किया, तब मैं जाकर इस पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें दिन में कम से कम एक बार कंघी ज़रूर करनी है, और बालों को इस तरह से टाई करना है। अगर आपके बाल लंबे हैं मेरी तरह, तो आप गुत भी कर सकते हैं, चोटी भी कर सकते हैं। उसे क्या होता है, जितना बाल हम अपने खुले रखेंगे वो झड़ते रहते हैं। मेरा तो ऐसे ही हाल हुआ था कि बस बाल खुले हैं तो गिरते जा रहे हैं, फर्श पर गिरते जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी इतना सीवियर हेयर फॉल है, तो अपने बालों को एक अच्छे से रबर बैंड के साथ टाई कीजिए। लंबे बाल हैं मेरी तरह, चोटी कर लीजिए, और कंघी हमें
बिल्कुल करना छोड़ना नहीं। क्या करते हैं हम, दो दो तीन तीन दिन तक इस डर से कि बाल झड़ेंगे कंघी नहीं करते, तो उससे क्या होता है और ज़्यादा बाल झड़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप क्या है आपके लिए कि जब भी हम शैम्पू करने जाते हैं तो उससे पहले हमें अपने बालों को कंघी करनी है। कंघी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ब्रॉड ब्रशेज वाली कंघी करनी है, और आप ना ये जो लकड़ी वाला आता है आजकल बहुत चल रहा है वुडन कॉम्ब, वो बिल्कुल ना करें। अपनी कंघी बिल्कुल अलग रखें। शैम्पू करने से पहले जब हम अपने बालों को सुलझा लेते हैं तो जब हम शैम्पू करते हैं तो बाल अड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ट्रस्ट रखिए। एक दिन में मैजिक कभी भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिनको लग रहा है कि अभी अभी थोड़ा हेयर फॉल शुरू हुआ है वो इन चीज़ों को अगर अभी से शुरू कर देंगे तो उनकी हालत उतनी सीवियर रेंज तक नहीं जाएगी जैसे कि मेरे बालों का हाल हुआ। तो शैम्पू आपको बाजार से हेयर फॉल वाला बिल्कुल मत लीजिए, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और स्पेशली जो मार्केट के अनियन बेस्ड शैम्पू हैं वो बिल्कुल मत लीजिए। आप उनके इंग्रेडिएंट पढ़िए, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो उससे बेटर है कि अगर आप ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ट्राई करके देखिए। आपको 45 डेज देने हैं, इसमें ट्रस्ट करना है इन रेमडीज़ में, और 45 डेज के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ें हैं जो हम घर पर बनाते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, ये लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट देते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल होगा यहाँ। मैं आजकल वीक में 5 से 6 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मिलेंगे मेरे सभी शॉर्ट्स वीडियो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।